देखो भाई दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इस तरीके का ये जो आप पौधा देख रहे हो, ये है कॉक्सकॉम, मुर्गे की कलगी, कुक्कड़ कलगी पंजाबी में, ठीक है। ये तीन नाम है इसके। तो इस पौधे को हम गमले में कैसे लगा सकते हैं? ये पौधा मैं नर्सरी से 20 रुपये का लाया था। आप इसको बीजों से भी उगा सकते हैं, मैं इसको बीजों से भी उगाऊंगा। दूसरे कलर के बीज मेरे पास पड़े हैं, लेकिन येलो कलर के मेरे पास बीज नहीं थे, और ये मेरे को बहुत सुंदर लग रहा था, ये मेरा लेने का मन भी था, और ये मेरे को बहुत सस्ता भी मिल रहा था, तो मैं ये ले आया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इस पौधे को इस काले गमले में लगाएंगे, और बीजों से कैसे लगा सकते हैं इसके लिए आप मेरा कोई दूसरा वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैं अभी कुछ दिनों बाद बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नीचे देखेंगे कि नीचे से जड़ें तो नहीं निकल रही, जैसे इस छेक में से एक जड़ निकल रही है, लेकिन ये बहुत छोटी है, तो इस केस में हमें ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें जड़ें निकल रही हों, तो सबसे पहले जड़ के आसपास के एरिए को आप बड़ा करें ब्लेड के माध्यम से, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही हटा लूँगा और धीरे धीरे खोलेंगे, ताकि हमारा रूट बॉल टूट ना जाए। रूट बॉल का बहुत ध्यान रखना है, मैं तो जल्दबाजी कर रहा हूँ, आप धीरे धीरे करना, मुझे पता है कि नहीं टूटेगा और मुझे एक्सपीरियंस भी हो चुका है, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे कि थोड़ा बहुत देखो हट चुका है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जड़ें हैं ही नहीं। फिर जिस गमले में आपने उगाना है, उसमें सबसे पहले नीचे देखना कि उसमें छेंक हैं, उन छेंकों के ऊपर कोई भी पत्थर जाली या नारियल के छिलकों की खाल रख सकते हैं आप। मैंने इसमें नारियल की जो जाली होती है, नारियल के छिलके, वो रखे हुए हैं अच्छे ड्रेनेज के लिए। उससे क्या होता है, पानी प्रॉपर मात्रा में नीचे बह जाता है, और वो मिट्टी को बहने से भी रोकता है। उसके ऊपर ये मिट्टी भरी हुई है। सर्दियों के पौधों को बोने के लिए इस तरह की रेतली मिट्टी सबसे अच्छी रहती है, ये पीली पीली से रंग की होती है, लेकिन मेरे पास ये मिट्टी है नहीं, तो हम इसके नॉर्मल मिट्टी में ही उगाएंगे। ये इसमें भी अच्छा परफॉर्म करेगा, बस ड्रेनेज अच्छा रहना चाहिए। तो इसमें मैंने एक कैविटी बना ली है। इस पौधे को अब मैं इसमें रख देता हूँ और मिट्टी को अगल बगल से ढक देता हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, मिट्टी को प्रेस नहीं करना, क्योंकि मिट्टी को प्रेस करने से रूट बॉल टूट जाएगा, ठीक है। और जो अंदर के एयर पॉकेट्स बने हों, उनको आप पानी से जब डालोगे पानी, तो वो अपने आप बंद हो जाएंगे। मैं इसमें पानी नहीं डालूंगा, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली और हद से ज़्यादा गीली हो रही है, लेकिन मैं जब इसमें आज धूप आ रही है, तो मिट्टी सूखने के बाद पानी डालूंगा, तो वो एयर पॉकेट्स भर जाएंगे। फिर अब बात करते हैं ये पौधा कितना बड़ा हो सकता है। ये पौधा हमारे खुद के साइज़ के हिसाब से लगभग 6-7 फुट तक भी बड़ा हो जाता है, और ये जो इसके अंदर आप फूल देख रहे हो, ये इतना बड़ा भी हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सुंदर फूल लगता है, आप भी इसको उगाएं, नर्सरी से लेकर आएं, या बीजों से उगाएं। बीजों से उगाएंगे तो आपको एक ही पैकेट में कई कलर के बीज भी मिल जाएंगे, क्योंकि मिक्स वेराइटी मिक्स कलर के बीज भी के पैकेट्स भी आते हैं, आप चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। और मेरे को अगर अमेज़ोन पे कोई लिंक मिलेगा, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। अब जाने से पहले आप कुछ गिने चुने काम कर लेना, जैसे कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और किसी भी ज़रूरतमंद के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना।